हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके साथ एक वैकेंसी के बारे में शेयर करने वाला हूँ। एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर आईआईटी कैंपस की वैकेंसी है ये। उत्तराखंड के लिए वैकेंसी आया है, सो आप इंटरेस्टेड अगर इस लोकेशन के लिए तो यहाँ पे अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। नॉन टीचिंग वैकेंसी है ये, और यहाँ पर अकाउंट असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। तो आइए डिटेल क्या है देख लेते हैं। सो इसका जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम है आप प्रिपरेशन कर सकते हैं online.debitguru.com से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आइए देख सकते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन की बात करें। अगर नोटिफिकेशन जो है 13 मार्च को आया हुआ है, लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन जो सबमिशन का बताया गया है यहाँ पे 26 अप्रैल 2021 है। अब यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, तो आप यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। ये टेबल का हेडर है जहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपने अकाउंट इस नोटिफिकेशन के सीरियल नंबर 2 में अकाउंट असिस्टेंट के बारे में डिस्कस किया गया है, जहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक है, और ये पोस्ट जो है अनरिजर्व के लिए है यहाँ पर मैंशन किया गया है। पे मैट्रिक्स काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, ग्रेजुएशन लेवल पर लेवल 6 पर आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा, और पे स्केल आपका जो बेसिक होगा 35,400 होगा, जिसपे आपका यहाँ पे DA, HRA और जो भी अलाउंस हैं वो सारे मिलने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्केल है ग्रेजुएशन लेवल पे। सो इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सो ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, सो ग्रेजुएट अगर आप हैं किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, चाहे आपका वो रेगुलर हो, डिस्टेंस हो, या फिर किसी भी मोड से हो। इसेंशियल एक्सपीरियंस यहाँ पे जो 3 ईयर्स का मांगा गया है, इन कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स, नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स रूल्स, बैंक रिकंसिलेशन इन यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी और फैमिलियर इन यूज टू स्टैंडर्ड फाइनेंशियल पैकेज डिजायरेबल क्या है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो है टैली कोर्स का सर्टिफिकेट आपने या फिर एक्सपीरियंस है, एंड MS ऑफिस का एक्सपीरियंस ऑन कंप्यूटर है, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल सकता है। एज क्राइटेरिया जो मैक्सिमम यहाँ बताया गया 35 ईयर्स रखा गया है, रिलैक्सेशन 5 ईयर, और OBC को 3 ईयर्स का मिलने वाला है। मोड ऑफ अप्लीकेशन यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट मीन्स ये ऐसा नहीं है कि आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और हायर कर लिया जाएगा। मोड ऑफ अप्लीकेशन होता है मतलब डायरेक्ट आउटसाइड, यानी कि ऑल ओवर इंडिया बेसिस यहाँ पे अप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है। और होता है एक मोड डेप्यूटेशन, यानी कि आपकी पहले से ही किसी गवर्नमेंट कंपनी में है और यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट मोड है आउटसाइड, यानी कंपनी के अंदर से नहीं या फिर किसी और PSU कंपनी से नहीं, आउटसाइड। पॉइंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जहाँ पे लास्ट डेट पे आपको एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। फिल्ड इन एप्लीकेशन विद इन द 45 डेज, सो ऑफलाइन आपका ये फॉर्म है जिसे आपको सबमिट करना है। सो ऑफलाइन फॉर्म का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में है। और जो आपका एप्लीकेशन है उसको आपको भेजना है रजिस्टर पोस्ट या फिर स्पीच पोस्ट, कुरियर नहीं करना है बिफोर लास्ट डेट। और एड्रेस जो यहाँ पे आपका मेंशन कर दिया गया है, सो ये एक बार आप एड्रेस देख लेंगे, उत्तराखंड का एड्रेस दिया गया। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना होगा। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं, जनरल OBC के लिए ये 500 का चार्जेस है। SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट जो हैं वो एक्सेम्प्टेड हैं। DD जो बनाना है वो बनवाना है इन द फेवर ऑफ द डायरेक्टर EMRC रुड़की, यानी कि डायरेक्टर EMRC रुड़की पेबल एट रुड़की। सो इस नाम से आप DD बनवा लेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 5 ये नोटिफिकेशन नंबर है 17 और 19 के लिए ईयर में आया होगा। उस समय अगर आपने फॉर्म भरा है, ये अप्लीकेशन फ़ीस पे किया है, तो आपको अप्लीकेशन फ़ीस DD यानी कि नहीं बनवाने की ज़रूरत है। आप सेल्फ फॉर्म फिलअप करिए और सेंड कर दीजिए। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे नंबर 14, जहाँ पे बात किया गया सेलेक्शन प्रोसेस का। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट एंड और इंटरव्यू। सो यहाँ पे एंड और शब्द का यूज़ किया गया, यानी कि नंबर ऑफ अप्लीकेशन अगर ज़्यादा आते हैं तो आपका यहाँ पे टेस्ट होने वाला है, नंबर ऑफ अप्लीकेशन कम रिसीव होंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होने वाला है। सो जब भी डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं होगा यहाँ पे, यानी कि टेस्ट होगा आपका, तो आपको यहाँ पे सिलेबस क्या होगा उस टेस्ट का बता दिया जाएगा। सो पहले से ही प्रिपरेशन करने के लिए आप online.debitguru.com पे विजिट करिए और वहाँ से आप अपना प्रिपरेशन जो है स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, ताकि अगर अचानक से पेपर आता है तो आप उसको
इजीली क्रैक कर सकें, और अदर जो बीएसयू प्रिपरेशन है उससे भी आप उसे कर सकते हैं जो साथ के साथ आपका। ये आपका एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे ऑफिस यूज़ के लिए होगा उन लोगों को करना, आपको अपना फोटो सेल्फ असिस्टेशन के साथ देना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका यह है, एडवर्टीजमेंट नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, आपका डिमांड ड्राफ्ट का डिटेल देना है, उसके बाद ये एप्लीकेशन फिलअप करना है, जो भी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स है उसको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको साथ में अटैच करना है, और डीडी के बैक साइड में आप अपना नाम, रोल नंबर, सॉरी नाम, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट किस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मोबाइल नंबर सारा लिख दीजिएगा, सो दैट इफ़ आपका मिसमैच इधर उधर हो जाता है अगर तो वो इजीली फाइंड आउट किया जा सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ऐसे लेटेस्ट अपडेट